बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गले का डिजाइन शेयर करूंगी, जिसमें मैं बनाऊंगी चाइनीज कॉलर गला, जिसे हम 81 गला भी कहते हैं, तलपट गला भी कहते हैं। इस डिजाइन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिलाइयां भी, लेस भी। लेसे मैं दो तरह की लगाऊंगी, और एक साइड पे हमारे सिलाइयां होंगी यानी कि डबल थ्रेड के साथ, और एक साइड पे हमारी होगी लेस। बहुत स्टाइलिश और बहुत ब्यूटीफुल नेक डिजाइन होने वाला है। कुछ अलग है, कुछ मुख्तलिफ है। पूरे पे हम लेस अमूमन लगाते हैं, मगर इस डिजाइन में हमने एक साइड पे लेस लगानी है, एक साइड पे सिलाइयां लगानी है। जिस साइड पे हमारी एक लेस होगी, उसी साइड पे हमारी दूसरी लेस भी होगी। एक लेस मेरे पास ब्लैक कलर की है, ये है जीपीओ लेस, और जो दूसरी लेस है इसे कहते हैं समोसा लेस या पैनल वाली लेस भी कहा जाता है। ये ज्यादातर पैनल्स में लगती हैं, कलियों में लगती हैं, और जो चौक दामन होते हैं ये उन पे लगती हैं। ये गोल्डन मैंने क्यों लिया है ये आपको आगे चल के बताऊंगी। मेरे जो कमीज है उसके प्रिंट में गोल्डन आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, इसीलिए मैंने ये लिया है। तो ये मैंने कट की है फैब्रिक पट्टी। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। मैंने पूरी पट्टी के ऊपर जीरो का बुकरम लगा लिया है, क्योंकि मुझे ज्यादा थिक पट्टी नहीं चाहिए थी, बहुत ही लाइट पट्टी चाहिए थी, क्योंकि इसके ऊपर लैस आएगी तो ये मजीद और ज्यादा थिक हो जाती। इसीलिए जो हमारा रेगुलर बुकरम होता है, जिसपे हम बेसिकली गले बनाते हैं, वो वाला बुकरम नहीं है, ये है जीरो का बुकरम। ये बहुत ही लाइट वेट होता है। तो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 2.5 इंच, और मैंने इसकी जो लंबाई ली है ये मैं आपको नाप के बताऊंगी, क्योंकि हमारा जो चाइनीज कॉलर गला होता है इसके अंदर हमें लंबाई ज्यादा चाहिए होती है, चाहे वो बॉर्डर हो, फैब्रिक पट्टी हो या लेस हो। मैक्सिमम हमारी जो चाइनीज कॉलर की लंबाई आती है पट्टी की, वो होती है 42 इंच। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, 43 इंच। पट्टी बड़ी बेशक हो जाए, पट्टी बट छोटी नहीं हो। अगर आपकी पट्टी छोटी हो गई तो आपका पूरा डिजाइन आउट हो जाएगा। पट्टी बड़ी बेशक हो जाए तो हमने करना कुछ इस तरह है। मैंने आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दी है। इन दोनों पट्टियों को इस तरह बराबर मिलाएंगे। प्रेस करने के बाद मैंने इसके सेंटर में कुटका लगा दिया है। अब इस पट्टी को इस तरह खोलेंगे। जिस साइड पर हमें सिलाइयां लगानी है उस साइड पर हम पहले ड्रॉ करेंगे चौक की मदद से। तो मैं इस पे सिलाइयां लगाऊंगी ट्रायंगल शेप में, यानी कि तिरछी सिलाइयां लगाऊंगी। आप शेप चेंज भी कर सकते हो, सीधी भी रख सकते हो, आड़ी भी रख सकते हो या तिरछी भी रख सकते हो, बट मैं इसमें ट्रायंगल शेप में लगा रही हूं। तो एक साइड के ऊपर मैंने चॉकिंग कंप्लीट कर ली है, एक साइड को मैंने सिंपल छोड़ दिया है। अब मैंने जो लेस ली है इसी के मुताबिक मैं गोल्डन वाली लेस को कट कर दूंगी, यानी कि समोसे वाली लेस को कट कर दूंगी, और इसे मैं किस तरह लगाऊंगी ये आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी। तो बाकी लेस मैंने हटा दी है, ये नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह टाइम मिला तो शेयर करूंगी। चाक और दामन के ऊपर किस तरह लगाते हैं फिनिशिंग पट्टी के साथ, पलटे के साथ, वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये लेस बेसिकली हमारी दामन और हमारे चॉक्स की है, तो मुझे इतनी ही लेस चाहिए थी। अब लगाते हैं सिलाइयां, उसके बाद लगाएंगे लेस। तो एक साइड पे मैंने सिलाइयां कंप्लीट कर ली हैं, अब दूसरी साइड पे लगाएंगे लेस। अब इस लेस के जो होल वाली साइड है इसके ऊपर रखेंगे हम गोल्डन वाली लेस, यानी कि समोसा लेस। तो ब्लैक वाली लेस के ऊपर गोल्डन वाली लेस लग गई है। तो एक साइड पे सिलाइयां कंप्लीट हो गई हैं, अब दूसरे वाली साइड पर मैंने लगानी है लेस। तो पहले मैं इसे साइज कर लूंगी। मुझे 1 इंच से 2 पॉइंट कम, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम पे मैंने इसको ड्रॉ किया है, और मुझे जितनी मेरी लेस चौड़ी थी उतनी ही मुझे पट्टी शो करनी थी, उतनी ही पट्टी मैंने ये सिंपल शो की है। तो अब इस लेस को इस कुटके के बराबर में रखेंगे, यानी कि ये हमारा सेंटर है बैक का। उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा सिलाई लगाएंगे जो सिलाई हमने इस गोल्डन को लगाई थी।
अब इस पट्टी को अच्छी तरह प्रेस करेंगे क्योंकि हमें इसे शेप देनी है। अब ये हमारे गले के अंदर सेट होगी तो पहले हम इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के लिए हम दोनों पट्टियों का जो सीधा साइड है वो आपस में मिला लेंगे और उल्टे साइड को ऊपर कर देंगे। अब इसे इस तरह हल्की सी शेप देंगे। तो शेप मैंने दे दी है। अब कट करेंगे गला और पट्टियों को साइज करके हम गला कट करेंगे। तो ये 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। अब इसी हिसाब से हम अपने गले को कट करेंगे। तो ये है हमारी कमीज का फ्रंट साइड। अब हमने निशान लगाना है गले का, तो मैं पहला निशान इसका 6 इंच पर लगाऊंगी, दूसरा निशान मैं इसका 8 इंच पर लगाऊंगी और एक निशान में इसका लगाऊंगी 17.5 इंच पर। एक बार अपनी पट्टी को इस तरह साइज कर लेंगे। तो पट्टी हमारी बिल्कुल बराबर आ रही है जो हमने साइज की कट की थी। अब इसे साइड कर देंगे। अब हमने लेना है इंची टेप इस तरह, जो 1 इंच से 2 पॉइंट कम है, तो हमने इस तरह अपनी इंची टेप को रखना है और थंब की मदद से इसको प्रेस करना है। तो ये इस पे बन जाएगी क्रीज। अब इस क्रीज के मुताबिक हमने निशान लगाने हैं। अब इस निशान को इस निशान से मिलाकर एक वी शेप देंगे। अब कटिंग करने से पहले इस वाले साइड पे हमने बुकरम लगाना है। अगर आपकी कमीज नरम कपड़े की है, यानी कि लीलन की है, लॉन की है या सिल्क शामूस की है, तो आपने यहाँ पर लगाना है बुकरम। अगर आपकी कमीज कॉटन की है, यानी कि आपका जो फैब्रिक है वो थिक है, तो फिर आप बेशक स्किप कर दें बुकरम लगाना। अगर लगा लेंगे तो ज्यादा सफाई आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा बनता है कोना, तो कोना बहुत ही सफाई के साथ हमारा बनेगा। अब हमने जो कटिंग करनी है वो हमने चौक के ऊपर कटिंग नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा फाइनल निशान है, इसके ऊपर हमारा गला तैयार आएगा। हमने थोड़ा सा दबाव छोड़ के कटिंग करनी है। इस जगह पर आकर हमारा कट कुछ इस तरह होगा, नोकदार होगा। अब एक साइड पे तो हमने चौकिंग कर ली है, हमें मालूम है कि हमारा एक साइड इतना दबाव में जाएगा। अब जो दूसरी वाली साइड है उस पर हमें मालूम नहीं हो रहा, तो उसमें हम लगाएंगे गरारी। गरारी से हमें दूसरे वाले साइड का क्लियरली मालूम होगा कि हमें कितने दबाव लेना है अपनी पट्टी में। इस तरह की जो ट्रिक्स होती हैं ज्यादातर बुटीक्स पे टेलर्स हजरात करते हैं, तो उनसे काम में जो है बहुत जल्दी भी काम बनता है और बहुत सफाई का भी काम बनता है। तो देखें, दोनों साइड पर हमारा निशान आ गए हैं। अब हमने इसके कंधे अटैच करने हैं और फाइनल हमने इस पट्टी को अटैच करना है। तो ये है बैक वाला साइड और ये है फ्रंट वाला साइड। हमारा जो कंधा है हमने इसको यहां से नापना है, यहां से हमारा कंधा बराबर होना चाहिए। तो कंधे वाली साइड से मैंने इस तरह टुक लगा लिए हैं। अब हमने ये जो कट लगाया था, इस कट के ऊपर हमने इस पट्टी को रखना है और जो हमारी ये ब्लैक वाली सिलाई है इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अब पट्टी को प्रेस करेंगे और इसको शेप देंगे।
इसके शोल्डर को प्रेस करेंगे ताकि शोल्डर से हमारी सिलाइयाँ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन पट्टियों को प्रेस करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा पट्टी है, इसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। पट्टियां प्रेस कर ली हैं। अब निशान लगाएंगे अपने गले का कि हमें गला कितने इंच पर उसका बंद करना है। तो मैंने 8 इंच पे गले का निशान लगाया है कि गला हमें कितने इंच पे बंद करना है, और मैंने इसे पिनों से कवर कर दिया है। अब पहले नीचे वाली साइड को बंद करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे फाइनल सिलाई। एक्स्ट्रा बुकतम मैंने हटा दिया है। तो टाका मैंने पक्का कर दिया है, अब इसे कट करेंगे। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गला हो गया है कंप्लीट, और लुक है आपके सामने बहुत एलिगेंट, बुटीक स्टाइल, बहुत नफीस लग रहा है ये गला बनकर। और बहुत आसान था ये गला बनाना। इसके अंदर ये गोल्डन कलर का प्रिंट आ रहा था, इसीलिए मैंने इसमें गोल्डन टच दिया है, ब्लैक के साथ गोल्डन। बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप सबने इसे अपने ईद के ड्रेस के ऊपर लाजमी ट्राई करना है। चाइनीज कॉलर गला बनाना बहुत मुश्किल लगता है। जो मेरी बहनें नई नई हैं, जो मेरी बच्चियां नई नई हैं इस फील्ड में, सिलाई सीखने का तो बहुत शौक है, मगर कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल लगते हैं। तो डियर, आपने घबराना नहीं है, तो आपने इसको फॉलो करना है, घबराना नहीं है। बहुत आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। एक साइड सिंपल पट्टी थी, एक साइड लेस वाली पट्टी थी। आप सबने बताना है कि आपको मेरा डिजाइन कैसा लगा। मैंने खुद से अपने माइंड से ये डिजाइन तैयार किया है आप सबके लिए, और नीचे से इसकी लुक कुछ इस तरह की है। बहुत सफाई के साथ ये तैयार हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए आइडियाज और एक नए डिजाइन के साथ। आप सबने बताना है कि आपको खुले में गला ये चाहिए, अगर यही वाला स्टाइल आपको बे में चाहिए तो भी आप कमेंट करेंगे, मैं आपको मुकम्मल वीडियो में समझा दूंगी। मुलाकात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।